दिया माला माल खती माने हदिया अरे लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने कर दिया माला माल बंसी वाले ने दिया भंडार मुरली वाले ने कर दिया माला माल बंसी वाले ने जय जय जो लगन लगाया सच्ची कभी उसकी नाम न अटकी लगन लगाया सच्ची कभी उसकी नाम न अटकी नैया को पार लगाए कर देर न वो एक पल की को पार लगाए कर देर न वो एक पल की और तालियों के साथ सब बोलो जो लगन लगाया सच्ची लगाया सच्ची कभी उसकी नाम नाटकी कभी उसकी नाम नाटकी नैया को पार लगाए नैया को पार लगाए कर देर न वो एक पल की कर देर न वो एक पल की अरे कर दिया माला माल कर दिया माला माल मुरली वाली ने मन हर साया और
अच्छा राजा परीक्षित जी भेष बदल के सेवा करने जाते, आपको कदा समझ में परसों से आएगी जब कन्हैया का जन्म होगा उसके पहले कम आती है। बोलो जय श्री राम। लेकिन एक दिन राजा परीक्षित जी अपने बाबाओं की खजाने में गए, एक चमकता मुकुट देखा, अच्छा ध्यान देना जितने लोग बैठे, और उस मुकुट को पहन कर वो गए जंगल में जाके देखा एक बैल नंदी तीन पैर कटा एक पैर पे खड़ा, गौ माता समझा रही नंदी कोने धर्म गौ माता कौन पृथ्वी। राजा परीक्षित जी ने कहा हे नंदी महाराज आपके तीन पैर किसने काटे, और जिसने भी काटे मुझे बताओ मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो धर्म ने कहा जो जस करे सो तस फल चाखा, मेरा कोई कर्म बिगड़ गया होगा पैर कट गए। और इतने में जब कलयुग हाथ में तलवार लेकर के आया, सतयुग में धर्म के चार चरण थे सत्य दान दया धर्म, लेकिन कलयुग में केवल एक ही बचा है धर्म। धर्म तो हो रहा है लेकिन सत्य दान दया नहीं है, लेकिन कलयुग तो उसे भी काटना चाहता है कि ये भी ना बचे। अब जब राजा परीक्षित जी ने देखा बड़ा विकराल भेष लंबे लंबे दांत भयंकर डरावना काला स्वरूप, और जब राजा परीक्षित जी ने युद्ध किया कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित जी तो मुझे जान से मार देंगे, तो वो चरणों में गिर पड़ा शरणागत हो गया। अब राजा परीक्षित जी को अपने बाबाओं की बात याद आ गई कि शरण में आए शत्रु को क्षमा कर देना, अब क्षमा कर दिया। कलयुग ने कहा लेकिन मुझे कोई जगा दो स्थान दो, मैं कहां जाऊं, यहां ना रहूं तो कहां जाऊं। राजा परीक्षित जी ने चार जगह दे दी, धूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्म चतुर्विधा। धूतम पानम देखो धूर्त कीड़ा यानी जुआ, जुआ ऐसी चीज है जब पांडव जुआ खेलने बैठे, जब पांडवों की बुद्धि बिगड़ गई, जब पांडव मैया द्रौपदी जी को हार गए तो तुम किस गिनती में आती हो। बोले ताश पत्ता जो है ना जुआ, जुआ में तुम्हारा वास। जब पांडव अपनी पत्नी को दाव पे लगा दिए सब हार गए, उनकी बुद्धि इतनी बिगड़ गई विनाश काले विपरीत बुद्धि, शराब में तुम्हारा वास। और जो दूसरे की पराई स्त्री पर बुरी नजर डाली उस नजर में तुम्हारा वास। कलयुग ने कहा